हूँ फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा जेनेक्स कॉइन जो है उसका फॉसेट कैसे आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। तो यार मेरी बात सुने कि आपको एक वॉलेट जो है ना वो ज़रूर चाहिए होता है। तो वैसे आप एक्सचेंज में भी डायरेक्ट फॉसेट ले सकते हैं, मगर अगर आपने अनलिमिटेड फॉसेट लेने हैं तो आपके पास ऐसा एक वॉलेट लाजमी होना चाहिए जिसमें आप अनलिमिटेड फॉसेट ले सकें। तो पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया UFO का, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, एक्सचेंज करके भी दिखाऊंगा, फॉसेट लेकर भी दिखाऊंगा कि आप जेनिक्स टोकन का कैसे कॉइन का फॉसेट ले सकते हैं। तो अगर वॉलेट का आपको ना पता चले तो आप पूछ सकते हैं कि भाई ये बहुत टाइम मांग रहा है एक्टिव होने पे। तो उसका एक और तरीका है कि आप उसको 10-15 मिनट में भी एक्टिव कर सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये फासेट का लिंक जो है ये मैं वीडियो के नीचे रख दूंगा। आप इसका एंड्रॉयड वॉलेट भी निकाल सकते हैं, ये देखें ये इसकी एक्सचेंज है, ये इसका एंड्रॉयड वॉलेट भी आप निकाल सकते हैं अपने मोबाइल में भी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से फासेट की। तो ये हमारे पास जो कॉइन है इसका नाम है जेनेक्स। तो यहाँ से हम इसको जेनेक्स को सर्च करेंगे इस साइट से, ये आ गया। यहाँ पर हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वॉलेट इसका जनरेट कर लेंगे। ये वॉलेट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि हमें कितनी अमाउंट मिलती है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमने इसको क्लिक करना है, ये देखें बहुत ही अच्छी अमाउंट मिल रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें ये जो है रिसीव हो जाएंगे। हम यहाँ पर चेक करते हैं हिस्ट्री पे, यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक कर देते हैं, ये देखें ये हमें रिसीव होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अगर आप इसका वॉलेट जो है वो निकाल लेते हैं, यहाँ से विंडो वॉलेट निकाल लेते हैं तो अनलिमिटेड ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये UFO का वॉलेट निकाला है, इसमें देखें ये दो कॉइन है। यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको रिसीव पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं वॉलेट के यहाँ पर 1-2 वॉलेट जो है ये मैंने बनाया, मैं और वॉलेट बना लेता हूँ, नंबर 3 वाला वॉलेट बना लेता हूँ। अभी मैं आपको लेकर दिखाता हूँ यहाँ से कैसे आपने लेना है। इस पे क्लिक कर दिया, इसको क्लोज करें। अब नंबर 4 वाला वॉलेट बना लें, 4 लेबल को क्लिक कर लें, और लेबल के बग़ैर भी आप वॉलेट बना सकते हैं, ये एक ऐसे याद रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर 3 वाला वॉलेट मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ गया मैं फॉसेट में, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। इस तरह से आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम लोग जो है ना हॉक्स ऑन करेंगे। हॉक्स का मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये उसमें होता है फायरफॉक्स में, हॉक्स आपको एक मिलेगा, आपने हॉक्स को ऑन कर लेना है। मैं हॉक्स को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने हॉक्स को ऑन कर लिया। अब मैं कॉइन सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें ये कॉइन हमें मिल चुके हैं, यहाँ पर ये देखें आ रहे हैं इस जगह पे, पेंडिंग पे अभी मिल जाएंगे। और फिर हम रिसीव पे क्लिक करते हैं, नंबर 4 वाला वॉलेट जो है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर साइड को रिफ्रेश करेंगे हॉक्स को ऑफ करके। मैंने हॉक्स को ऑफ किया और साइड को भी रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर हमने दोबारा जो है वो ही वॉलेट पेस्ट किया, नंबर 4 वाला। अब हॉक्स ऑन कर देते हैं, हॉक्स हमने ऑन कर लिया। अब सेंड कॉइन पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये भी कॉइन हमें मिल चुके हैं। अब जो नेक्स्ट काम है वो हमने क्या करना है, हमने एक्सचेंज में इनको लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना है वो मैं आपको बताता हूँ वॉलेट से। अब हमारे पास आ गई ये बोलेक्स एक्सचेंज, यहाँ से हमने एयर ड्रॉप लेना है निंजा का UFO सेल करके, ये देखें इसमें UFO भी है। तो UFO हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका एक वॉलेट लेंगे, UFO का एक्सचेंज वॉलेट जो है ये हमने किया कॉपी, और इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ वॉलेट सेंड पे क्लिक करेंगे। वॉलेट सेंड पे हमारे पास कॉइन आ चुके हैं, यहाँ पर हम एक कॉइन जो है वो उधर लेके जाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज में यहाँ पर हमने वो वॉलेट जो है वो पेस्ट कर देना है एक्सचेंज का। यहाँ पर लेबल कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पर हम अमाउंट 1 कॉइन लिख देते हैं। ठीक है, 1.5 कॉइन कर लेते हैं, 1.5। तो यहाँ पर अब हम इसको सेंड कर देते हैं, यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया और यहाँ पर वो कह रहा है जी कन्फर्म कर ले, हमने कन्फर्म कर लिया है। ठीक है, अब ये हमने सेंड कर दिए हैं। ठीक है, अब ये कुछ ही
कुछ मिनटों में ही हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे इस जगह पे। तो अब आपने क्या करना है, जब आप इसमें आ जाओगे आपके कॉइन आ जाएंगे, एक दो फासेट आपने ले लिए, मान लिया कि आप निंजा टोकन जो है वो वैसे नहीं ले सकते या कोई टोकन भी, तो यहाँ पर हमने फ्री में भाई आपको मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने यूएफओ पे ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने यूएफओ की जो ट्रेड है उसको करना है यूएसडीटी में। यहाँ पर जो हमने एक मिसाल है दो फासेट लिए, वो हम एक यूएफओ जो है वो सेल करेंगे। यहाँ पर एक यूएफओ हमने सेल करना है, अमाउंट है एक यूएफओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमें यूएसडी मिल जाएंगे एक यूएफओ के, ये हमें मिल चुके। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है, आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी टोकन जो है, मैं तो कहूँगा निंजा जो है ना इस टाइम पॉपुलर है, क्योंकि हो सकता है इसका स्वैप ओपन हो जाए। यहाँ पर मैंने निंजा को सिलेक्ट किया। अब एक फॉसेट के बदले हमें निंजा टोकन देखना कितने मिलते हैं, तो यहाँ पर हमने इस बंदे से लेने हैं, इसको क्लिक किया, ये जो हमने यूएफओ सेल किया था उसके बदले में निंजा कॉइन मिल रहे हैं 1,40,119। यहाँ हम बाय पे क्लिक करेंगे, ये देखना इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये देखें ट्रांसफ़र हो गए हमें, यानी कि निंजा टोकन जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो मिल चुका है। तो इस तरह से भैया आप फॉसेट जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जेनेक्स जो है ये वाला देखते हैं, ये वाला भी हमें कुछ ही टाइम में जो है ये मिल जाएगा, उसके बाद आप इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका वॉलेट निकाल लें, मोबाइल वॉलेट निकाल लें, वहाँ से अनलिमिटेड वॉलेट जनरेट करके आप अर्निंग कर सकते हैं।